और दो हज़ार रुपये में घर में जा बाहर जाके एक बहुत घटिया सा कोई पिक्चर देख के आ गए एक लगान, हो जाने, लगान ही एक हो जाने के बाद पचास लगान बनाने की कोशिश करते हैं एक गदर हिट हो जाने के बाद पचास गदर बनाने ही content, की कोशिश करते हैं वही पुराने कंटेंट वही इसी चीज़ की घिसी घी दिखाने वाली चीज़ नहीं होती कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ, हाँ, सो ब्यूटीफुल हाँ, बहुत एक्साइटेड हेलो वेलकम टू बॉलीवुड नाव मैं हूँ अंपिका सिंह स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है दिवेंदु सर जिनकी एक झलक पाने के लिए हर किसी के दिल में एक एक्साइटमेंट होती है बिकॉज एक ऐसा नेगेटिव रोल वो लेकर आते हैं हर एक फिल्म में जिससे हर किसी को लगाव हो जाता है सो सर वेलकम टू बॉलीवुड नाव कैसे ए, हैं आप मैं बहुत बढ़िया हूँ आप कैसे हैं एकदम बढ़िया सर सो सर 2024 आपके लिए खास होने वाला है आ, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं आपके कई हिट जो हुई हैं आपकी सीरीज उसके अलग अलग सीजन आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे खुद को कितना लकी फील कर रहे हैं जी मैं बहुत लकी हूँ कि सारी जो है मेरी सीरीज मेरी फिल्में रिलीज हो रही है लोगों को अच्छा लग रहा है लोग कनेक्ट हो रहे हैं और एक नए नए काम करने का भी मौका मिलता है नए नए डायरेक्टर्स नए नए कलाकार नए नए क्रूज़ के साथ अनसम्बल के साथ काम करने का मौका मिलता है सो so, इंसान को और क्या चाहिए सो so, एक एक्टर को तो यही चाहिए कि अच्छे प्रोजेक्ट मिले अच्छे किरदार मिले और अच्छे एसोसिएशन मिले सो आई फील माई सेल्फ वेरी लक्की ठीक है सर सर इतने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में लाइक like बंगाली इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं आपकी बंगाली फिल्म भी आ रही है प्लस आपकी सीरीज़ आ रही है मूवीज़ आ रही है और एक जो एक्टर को एक मुकाम हासिल करना होता है ना वो आपने कर लिया तो कभी आपको मतलब फ़ील किया था आपने कि हाँ मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगा बिना किसी गॉड फादर के जी ऐसा तो मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ सोचा नहीं था लेकिन करना तो कुछ था ही जिंदगी में और काम हम करते हैं हम अपना काम करते वक्त अपना काम करता है तो उस हिसाब से हम कभी सोचते नहीं हैं चीज़ों को तो काम काम एक ऐसी चीज़ है जो करते रहना चाहिए करते चलो करते चलो जहाँ मिले अच्छा काम करने की शिद्दत से अब अच्छा काम करते रहते हैं हम और बाकी मुकाम की जहाँ तक बात है मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ मुकाम हासिल किया आ, बस एक रिकोगशन एक मिला एक वैलिडेशन मिले लोगों से लोगों को पसंद आता है मेरा काम और पसंद आने की वजह से शायद मुझे काम भी मिल रहा है और जो काम मिल रहा है उस काम को मैं शिद्दत से करने की कोशिश करता हूँ सो so ये एक एक साइकिल है एक जर्नी है सो so ये मैं वैसा नहीं सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ मुकाम हासिल किया और समथिंग लाइक दैट वैसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ आज आज थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को भी बचपन से ही क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में ही आना चाहते थे देखिए ऐसा तो कभी होता नहीं है क्योंकि बचपन में प, 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 पैदा होती है बोले कि मैं एक्टर बनूंगा ऐसा तो होता नहीं है बचपन में आप इंसान बहुत सारा काम करते मैं, मैं जैसे मैंने भी बहुत कुछ किया म्यूजिक में थे हम स्पोर्ट्स में थे आर्ट फील्ड में थे पेंटिंग बनाते थे सब कुछ करते थे लेकिन धीरे 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 आपको एक चीज़ में आपको लगता है कि कौन सी चीज़ में मैं अच्छा हूँ कौन सी चीज़ में कर सकता हूँ तो एक सर्टन पर्टिकुलर टाइम के बाद टेंथ के बाद मैंने धीरे जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मुझे लगा कि थिएटर में मज़ा आना शुरू हुआ था मज़ा लोगों को पसंद आना शुरू हुआ था मेरा काम सो so वही पहला वैलिडेशन वही था सो so ऐसे करते हुए फिर पता चला कि यार यही यही करना है यही कर, करना चाहेंगे हम और इसी में हम अच्छा है क्योंकि एस्पिरेशन तो बहुत सारी चीज़ों की होती है लाइफ में लेकिन जो आप आप जिसमें एस्पायर होते उस उसमें आप करियर नहीं बनाते हैं। जिसमें आप अच्छे होते उसमें करियर बनाते हो तो मुझे लगा था कि शायद मैं इसमें अच्छा हूँ और लोग मुझे सराहते हैं मेरा काम देख के फिर मैंने पढ़ाई लिखाई की ज़्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड ऑल फिर आ, 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 उसके बाद तो लंबा रास्ता हो के फिर मैं यहाँ आया फैमिली का कितना सपोर्ट था आपको फैमिली का बहुत सपोर्ट था हमें हमेशा फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मम्मी का अगर आप क्योंकि आप मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज थे मम्मी किस तरह की, की आपको सलाह दे देती थी अगर कभी आप आ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम किसी चीज़ में अगर हाथ डालें तो वो सक्सेसफुल हो सो मम्मी आपको क्या राय मशूरा देती थी मम्मी के लिए मैं हमेशा से वही था कि मम्मी हमेशा जानते थे कि मैं मम्मी के लिए मैं बहुत स्पेशल था मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती थी कि वो पता नहीं उनको उन, उन हमेशा हो सकता है हर माँ को लगता है कि अपना बेटा बहुत ही कमाल है अपना बेटा जो है वो बिल्कुल नायाब है अपना बेटा आ, जो है वो एक दिन ना एक दिन बहुत कुछ बनेगा मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी कि उनको भी लग उनको हमेशा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ तो करके ही रहूँगा ज़िंदगी में लेकिन मम्मी मेरी एक चाहती थी कि मैं काम ज़्यादातर कैलकाटा में करूँ बंगाल में करूँ तो और बंगाल में ज़्यादातर नहीं पूरा बंगाल में ही काम करूँ उधर ही रहूँ ताकि उनके साथ रहो जो हो, कभी हो नहीं पाया क्योंकि मैंने मेरा पूरा काम ही मेरा मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री और आ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है आ, सो जो हो नहीं पाया जो मैं कभी महसूस करता हूँ कि मैं अगर बंगाल में काम करता तो और भी अच्छा होता Uh, क्योंकि uh, आपसे आपके ही एक को एक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू था तो उन्हें उन्होंने मुझे बताया था कि पैंडमिक के टाइम आप शूट पर थे जब आपकी मम्मी uh, मम्मी की डेथ हो गई थी फिर आपने वहाँ पे किसी को बताया तक नहीं था कि मतलब हुआ क्या है और आपने बहुत ही नॉर्मली शूट किया था तो अगर उस उस दिन की बात अगर आप मुझे बताएं आपने किसी को बताया ही नहीं था कि मतलब आपके घर इतना बड़ा हो गया है कुछ मतलब, मतलब मम्मी ही नहीं है जो पूरी दुनिया जिसे कहा जाता है हाँ तो मतलब वो मम्मी मम्मी का जाना तो आपको पता ही है माँ का चले जाना मतलब आपका पूरा ज़िंदगी उथल पुथल हो जाता है इधर का उधर हो जाता है और क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो एक वॉयड है एक, एक शून्यता जो शून्य पैदा हो जाता है आपकी ज़िंदगी में जो कभी कोई आके उसको फील नहीं कर सकता तो वो तो है ही हाँ मैं टर्की में था वो सेकेंड पेंडेमिक का टाइम था सकेंड लॉकडाउन का टाइम था जिस टाइम हिंदुस्तान में हम शूटिंग नहीं कर पा रहे थे और सो इसीलिए हम टर्की में जाके शूटिंग कर रहे थे और टर्की में पूरा कास्ट एंड क्रू लेके टर्की में हम शूट कर रहे थे और ऑलमोस्ट लाइक फिफ्टी परसेंट हमारा फिल्म का शूट हो चुका था तो ऐसे टाइम में अचानक शाम को एक दिन ख़बर आती है शाम को नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं नाइट शूट करके आया था नाइट शूट करके आया था और सुबह तक बिल्कुल सुबह जब होटल में आया तब मुझे फ़ोन आया कि माई मदर इज़ नो मोर शो इज एक्सपायर्ड अचानक सडनली कार्डिया का अरेस्ट हुआ आई क्राइड आई क्राइड अलॉट बट एज़ यूजल ऑफकोर्स और अगर uh, ऐसा नहीं था कि मतलब मैं किसी को बता नहीं था लेकिन कुछ कुछ लोगों को पता था जैसे कि परिणीति चोपड़ा उस टाइम मेरे साथ काम कर रही थी तो वो उसको पता था जो दास गुप्ता जो डायरेक्टर थे उनको पता था और रजत कपूर वो उसको भी पता था रजित को तो ये तीनों को तीनों को बहुत अच्छी तरह से पता था ये सारी चीज़ें और दे, दे वर देयर थ्रू आउट मतलब वो जिस जिस टाइम ये इंसिडेंट घटी तब से लेके वो नेक्स्ट नेक्स्ट डे शाम तक वो मेरे साथ ही बैठे रहे मेरे को छोड़ा ही नहीं उन्होंने अकेले में तो ये दे सो ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग इन जेनरस अबाउट इट बाकी यूनिट को बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ें कुछ ग्लोरीफाई mm -hmm. करने के बताने वाली तो चीज़ है नहीं सो so, क्योंकि नेक्स्ट डे इवनिंग में भी नाइट नाइट में शूटिंग करनी थी तो मैंने आई शॉट सो क्योंकि हमारे में एक कहावत है कि शो मस्ट गो ऑन तो हम लोग को करना ही पड़ता है कि हम प्रोफेशनल एक्टर्स हैं हमारा काम है हम छोड़ के तो आ नहीं सकते क्योंकि फिफ्टी ऑफ द फिल्म कंप्लीट हो चुके थे और इतना पैसा खर्च हुआ प्रोड्यूसर के वहाँ से छोड़ के आना भी बहुत ही मुश्किल है और पैंडेमिक का भी टाइम है आना जाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है तो मैं फ्यूनल अटेंड नहीं कर पाया था लेकिन फिर बाद में आके फिर वो जो क्रियाक्रम जितना भी होता है वो सब कुछ किया था मैंने ये बात करेंगे सर आपने इतनी सारी फिल्में की हैं बट आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर रहा है ये मेरे दिल के करीब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मतलब बहुत सारे कैरेक्टर से सारे कैरेक्टर्स हैं मेरे दिल के करीब मैं कुछ पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता कि ये कैरेक्टर मेरे से दिल के करीब है जैसे कि अमीरी फिल्म मेरी सीरीज़ चल रही है पोचर बहुत पसंदीदा कैरेक्टर है बहुत पसंदीदा शो है मेरा ऐसे सारे बहुत सारे पसंदीदा शोज़ हैं जैसे कि जम तारा है अनदेखी है देव डी है ब्लैक फ्राइडे है गोल है बी ए पास है रॉकेट बॉयज़ है आर्या पार है सो so, सारे ही लगभग छोटा कैरेक्टर है रे सो so, सारे कैरेक्टर्स मेरे दिल के करीब है yes. तो सर आप ख़ुद को लकी मानते हैं कि आपने जितना नेगेटिव रोल ही आप करते हैं आपका लोगों को पसंद आता है मतलब एक छाप छोड़ जाता है दिलों के लोगों के दिलों पर जी मैं नेगेटिव रोल तो मतलब जिंदगी में पॉजिटिव रोल ज़्यादा किए नेगेटिव रोल कम किए लेकिन हर एक कैरेक्टर का एक एक उसूल होता है हर एक कैरेक्टर का एक पर्सनल लाइफ होता है तो उस चीज़ को ये करने की कोशिश करता हूँ कि छाप छोड़े या ना छोड़े मतलब वो डिस्टिंक्टली नहीं बोल सकता कि क्या मैं मैं क्या करता हूँ किस तरीके से क्या छाप छोड़ेगा क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ बाकी ऑडियंस को पसंद आता है या नहीं आता वो उनके ऊपर है तो जामतारा की आपने जिक्र किया सर अभी तारा में आपका जो एक कैरेक्टर था ना वो बहुत ही अलग था मतलब वो गांव खेड़े में ही शूट किया हुआ था तो वहाँ पे आपको कितनी डिफिकल्टीज हुई थी क्या शूट करने में नहीं तो डिफ़िकल्टीज कुछ नहीं हुई थी मतलब वो एक एक गांव था नासिक में हम शूट किए थे जाम और नासिक में गाँव को हमने पूरा तब्दील करके उसको ड्रेसअप करके किए थे और बाकी हमारे पास अच्छे होटल वोटल सब कुछ थे ऐसा डिफ़िकल्टीज कुछ नहीं जब आपको कुछ काम करना है आप, आप इसी प्रोफेशन में आपको जंगल में काम करना है आपको पहाड़ों में काम करना है आपको बर्फ़ में काम करना है आपको गटर में काम करना है आपको दलदल में काम करना है जहाँ आपको करना है वहाँ तो करना ही है मतलब हर एक जगह में आती है कभी कभार कभी कभार होता है बिल्कुल आप शहर में बहुत आलीशान मकान में भी शूटिंग कर रहे हैं वहाँ भी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हो सकता है पता चला आपका ऊपर से कुछ टूट के गिर गया तो डिफ़िकल्टीज़ तो आप मतलब उस तरीके से रियल uh, लोकेशन में डिफ़िकल्टीज होती है बट आप कोई आप जानते हो आप जानते हुए भी उस लोकेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको का, वो वहीं काम करना है वो तो इसलिए डिफिकल्टीज आते हैं जाते हैं कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए जामताड़ा में जिस तरह से दिखाया गया फिशिंग हो रही है लोगों के साथ आपके लाइफ में कभी रियल लाइफ में हुआ आपके साथ कोई ऐसा कॉल आपको आया हाँ मेरे पास एक दो बार स्पैम कॉल्स आए थे एक बार एक बार एक ऐसा भी हुआ था कि जो हम लोगों को घर में बहुत हम लोगों को घर में बुरी तरह से मेड चाहिए थी हम लोगों को मेड नहीं मिल रही थी तो किसी ने कहा था कि कॉल कर लो ए, मेड के लिए देर आर एजेंसीज़ तो हमने ऐसा हुआ था एक बार कि मेरी बीवी ने किसी एजेंसी को कॉल किया था तो एजेंसी वाले घर में आए थे फॉर्म फिलअप किया था डेढ़ हज़ार रुपये चले गए थे और बोले कि ये रजिस्ट्रेशन का है कल आपको आप फ़ोन कीजिए कल आपको आपके लिए भेज देते तो वो फिर कभी वो फ़ोन उठाया नहीं फिर ज़िंदगी में फिर हमने जो एड्रेस में पता किया था बोले कि ऐसे ऐसे कोई इधर कोई मेड एजेंसी आई नहीं और बीच में भी दो तीन बार ऐसे कुछ फ़ोन कॉल आए थे तो मैंने काफ़ी गलियाया मैंने काफ़ी उनको बताया कि भाई ये ये सब अकंडे मेरे से ना अपना <laughs> ना। मतलब मैं इन सब तो चीज़ों के बारे में बखूबी जानकार जानकारी रखता हूँ तो हाँ ये तो ये तो पार्ट एंड पर्सल ऑफ द गेम है मतलब लोग तो कंपल्सिव है फ्रॉड है जो लोग जो लोग जो लोग फ्रॉड स्टार है वो फ्रॉड फ्रॉडिज्म से ही पैसा कमाते हैं तो उनका लाइफ स्टलिए वो कंपल्सिव फ्रॉड है तो कंपल्सिव फ्रॉड का कुछ नहीं कर सकते आ, बात करेंगे सर आ, जैसे कि जामताड़ा एक थे सीरीज है जो ये भी आपकी बहुत पसंद है लोगों को मिर्ज़ापुर में जो आपका कैरेक्टर था वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आई और जिस तरह से उसका एक अलग ही फ़ैन बोल सकते फैंडम बन गया है सीरीज़ का तो आपको क्या लगता है उस सीरीज़ पे काम करने के बाद आपने क्या सीखा मतलब जो उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं सीखना तो मतलब सीख तो हर रोज़ सीखते हैं आप आदमी सीखना कुछ नहीं एक अपने आपके पास प्रोजेक्ट आता है आप एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं और बस आप उम्मीद करते कि बस मेरा मैंने जो काम किया वो डायरेक्टर को पसंद आया पसंद आया डायरेक्टर ने बोला हाँ पसंद आया बस मेरा काम ख़त्म हो जाता है बट आपका वो बेस्ट पार्ट क्या था और अगर आप जिस कैरेक्टर में थे अगर आप वो कैरेक्टर नहीं किए होते तो उसके अलावा कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है जो आप करते अगर आपको मौका मिलता वैसा कुछ नहीं मिर्ज़ापुर तो पहले से सेट यूनिट है मिर्जापुर का हम सीजन सीजन में ज्वाइन किए थे सीजन टू में ज्वाइन किए थे सीजन टू में ही खत्म हो गए तो ऐसा कुछ नहीं है तो करने को तो हर करेक्टर में कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मैं एक एक्टर हूँ कोई भी करेक्टर आप मुझे दे दीजिए मैं कर दूंगा ऐसा कोई ही नहीं कि मुझे ये करेक्टर करना है वो करेक्टर करना है अगर सारा करेक्टर मैं ही करूँगा तो बाकी एक्टर क्या करेंगे यस बट सर प्लस पॉइंट आपके पास आपने थिएटर भी किया है तो ईजिली आप कोई भी चीज़ें कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है वो चीज़ें आपने सीखी है बट कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी कैरेक्टर के लिए ऑफ़र किया गया हो बट अंदर से आप खुद कतरा रहे थे कि हाँ ये मुझसे ठीक नहीं हो रहा है कभी ऐसा हुआ है आपके साथ नहीं ऐसा 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 नहीं होता है कभी कभार लेकिन हर एक कैरेक्टर मेरे को चैलेंज थ्रो करता है शुरू शुरू में हर एक कैरेक्टर के साथ मैं जूझता हूँ स्ट्रगल करता हूँ क्योंकि करना ही पड़ता है क्योंकि वो एक नया इंसान है नया नई दुनिया है उस बंदे की नई दुनिया है उस बंद वो बंदा बिल्कुल नया इंसान है बिल्कुल और वो कम्प्लेक्स जितना कम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है उतना ही मज़ा आता है तो हर एक कैरेक्टर मेरे को चैलेंज थ्रो करता है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर आसानी से आता नहीं है और सो सर मैंने देखा सोशल मीडिया पे आप आपकी बेटी के लिए काफ़ी पोस्ट डालते हैं <laughs> uh, मतलब uh, बेटी से मतलब बेटे से ज़्यादा आपको बेटी से लगाव है कैसा कह सकते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल गलत है मतलब मेरा बेटा बेटी दोनों मेरे लिए बहुत समान है मेरा बेटा मेरा बेटा भी फुटबॉल खेलता है और मेरा बेटा बहुत अच्छा पियानो बजाता है बॉक्सिंग करता है और अब मेरी बेटी जो है बेटी थोड़ा हार्ड कोर फुटबॉल खेलती है और मेरे बेटे से ज़्यादा पहले वो एक्चुअली उसने ज़्यादा फुटबॉल को ज़्यादा क्रैक किया इसलिए उसके साथ और वो बेटी है तो छोटी सी है अट्ठारह से चौदह साल की है तो उस इसीलिए उसके साथ मेरे को ज़्यादा जाना पड़ता है तो मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा पुश करता हूँ ताकि वुमेन फुटबॉल को मैं ज़्यादा पुश करना चाहता हूँ क्योंकि फुटबॉल वैसे ही हिंदुस्तान में फुटबॉल बहुत कम खेले जाते सारा पैसा जो है क्रिकेट में ही चला जाता है सो so, सब कुछ क्रिकेट बु, बु, बुकी वुकी सब कुछ फिक्सिंग विक्सिंग सब क्रिकेट में ही होता है फुटबॉल को तो लोग जानते हैं नहीं है कि जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है तो इंडिया में इतने अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स है इतने अच्छे अच्छे टीम्स है इतने अच्छे क्लब्स है और लेकिन फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत पुअर है लोग फुटबॉल देखते नहीं है लोगों को फुटबॉल की इतनी अवेयरनेस नहीं है और ख़ास करके फिर फिर इसीलिए मैं और ऊपर से वुमेन फुटबॉल तो उसको ज़्यादा अटेंशन वो मांगता है yes. तो इसलिए मैं ज़्यादा अटेंशन देता हूँ फैमिली yes. को टाइम बहुत कम मिलता है अगर घर पे भी आप बहुत कम टाइम दे पाते होगे फैमिली को मैम को तो सर वो चीज़ें कैसे बैलेंस करते हैं आप बैलेंस करने का कुछ नहीं जब काम काम है अगर काम नहीं करूँगा तो घर में पैसा कैसे आएगा जीव. घर में पैसे घर में भी तो पैसा आना चाहिए और और इसलिए जब काम नहीं होता तो मैं पूरा टाइम घर में ही रहता हूँ तो पूरा फुल घर में टाइम देता हूँ सो दैट वो उस हिसाब से बैलेंस आउट हो जाता है लेकिन मेरी बीवी और मेरे बच्चे कभी ये नहीं बोलेंगे कि काम छोड़ के घर आ जाऊँ तो कमिंग बैक टू योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो महारानी त्रिहारा है पोचर चल आ रहे सर क्या बताना चाहेंगे इसके लिए आप कितने मतलब आप तो वैसे आपको मैंने कभी इतना एक होता ना एक एक्टर होता है एक्साइटेड होता है बिकॉज एक जब ठहराव आ जाती है ज़िंदगी में एक्ट्रेस के उस लेवल पर आप आ गए कि मतलब सोशा होते रहे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता बट क्या आपको ये जो आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसके लिए कोई एक्साइटमेंट है आपके अंदर ऑफकोर्स एक्साइटमेंट नहीं होगा मतलब एक आपने एक इतनी से एक इतने साल पकड़ के काम किए हैं इतना अच्छा रिसर्च मटेरियल पे आप काम करते इतनी अच्छी राइटिंग रिटर्न स्क्रिप्ट पे आप काम करते इतने दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते इतने दिग्गज कलाकार और क्रू मेंबर के साथ काम करते और उसका एक एंड रिजल्ट जब निकलता है उसके बाद ऑडियंस कैसे रिएक्ट करता है तो वो तो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है इसीलिए तो हम करते हैं नहीं तो हम करेंगे क्यों क्योंकि हमारा तो हमारा तो आर्ट एग्जीबिशन आर्ट है ना तो हम हमको तो दिखाना पड़ेगा लोगों को मैं एक पिक्चर बना के घर में नहीं बंद करके कर रख सकता yes. एक पिक्चर बनाया और मैंने डब्बे में डाल के रख दिया कि नहीं मेरे को किसी को नहीं दिखाना भाई तो फिर उस आर्ट का कोई मतलब ही नहीं है तो हमारा आर्ट तो ऑडियंस के लिए ऑडियंस जब तक नहीं देखेंगे तब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे अप्रिशिएट करे या ना करें व्हाट इट इज बट इट शुड बी देयर इन पब्लिक डोमेन लोग तो फिर लोगों को वो तो एक्साइटमेंट दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सो ब्यूटीफुल सकताफुल मैं बहुत एक्साइटेड कलर अब वो वो मैंने कभी नहीं दिखाया ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के बारे में ओवर हाईप तो मैं कभी किसी चीज़ को मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं एक्टर हूँ और एक बार डिलीवर कर देता तो डिलीवर हो चुका है वो वो डिलीवर गया वो पब्लिक डोमेन में चला गया मतलब एवरी थिंग इज देयर अब मेरे उस हाथ में कुछ भी नहीं है सो सर मॉनसून जो आपकी, uh, 2001 में जो आपकी मूवी आई थी नासिर सर के साथ क्या उनके साथ आपका कोई इंटरेक्शन हुआ था नहीं उनके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन तो मेरे टीचर है जी। वो मेरे सेम हमारे सेम स्कूल के हमारे स्कूल के स्नातक हमारे सीनियर है हमारा अल्मा मैटर है अलमिनी है लेकिन सब कुछ है उसके वो मेरे टीचर है सबसे बड़ी बात है वो मेरे टीचर है तो एक टीचर अगर सेम फिल्म में है और मैं भी हूँ तो वैसे बातचीत तो लाजमी है बातचीत तो बनती है वैसे हम लोगों ने हम लोगों का कोई इनकाउंटर नहीं हुआ था एज एन एक्टर के उनके साथ काम करना अभी रिसेंटली मैंने काम किया नसीर भाई के साथ आ, एक सीरीज़ में वो सीरीज़ जब आएगी आपको पता चलेगा okay, अभी रिसेंट वेरी रिसेंट ओके ओके सो अभी उसका टाइटल भी नहीं आया ऐसा अभी उसका टाइटल भी नहीं आया ओके सो सर उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका मतलब इतने सालों के बाद टीचर है भाई डर तो लगता ही है टीचर के साथ काम करना मतलब डर इन देंस मतलब रेस्पेक्ट okay. मतलब yeah. इतने बड़े इतने बड़े हस्ती है इतने बड़े इतना बड़ा कलाकार इतने बड़े थियोरेटिशन है मतलब ही इज़ होल हीर नसीरुद्दीन शाह इज इज़ एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ तो ऑफ कोर्स मतलब रेस्पेक्ट उसके बावजूद भी काम तो करना ही पड़ गया है मैलो एक्टर ये सर सो सर इन दिनों देख सकते हैं हम बॉलीवुड की जो मूवीज़ जितनी भी आ रही हैं वो बहुत ही लिमिटेड जो है वो पसंद आ रही है लोगों को मतलब ऐसा कह सकते हैं पैनडेमिक के बाद से ऑडियंस बढ़ गई है ओटीटी पे अलग हो गई है एंड सिनेमा घरों में अलग हो गई है सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब ये ऐसा क्या क्या कंटेंट में कोई कमी रह जा रही है एक्ट्रेस की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से मतलब क्यों ऐसा हो रहा है देखिए पैंडेमिक वैंडमिक के टाइम में जो हुआ था वो ऑडियंस बाहर नहीं जा पा रही थी उस टाइम ओ का बूम पकड़ा है ऑडी ओ में जितने भी कंटेंट आ रहे थे लोग अपने घर में बैठ के आराम से बैठ के देख सकते हैं अपने पर्सनल टाइम में देख सकते हैं और एक सिनेमा हॉल में सिनेमा जाने के लिए अगर एक दो आदमी मिलकर सिनेमा जाता है पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाना वाना टिकट विकेट सब कुछ मिला के लगभग दो हज़ार का खर्च होता है और ये डेढ़ दो हज़ार रुपया में आपको पूरे साल के मेंबरशिप मिल जाता है किसी भी पोर्टल का तो आप घर में बैठ के अब दो हज़ार रुपये में आप पचास अब पाँच सौ पिक्चर देख सकते हैं और दो हज़ार रुपये में अब घर में जा बाहर जाके एक बहुत घटिया सा कोई पिक्चर देख के आ गए क्योंकि क्योंकि कौन क्युंके हिंदी सिनेमा में कंटेंट तो डेवलप हुआ ही नहीं तो अब मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करो मेन स्ट्रीम सिनेमा तो कॉन्टेंट तो चेंज हुआ ही नहीं वही पुराने कॉन्टेंट वही इसी चीज़ की घीसी पीटी है और हमारे में एक तो हमारे में एक तो बहुत बड़ा ये है कि हम एक पिक्चर ही एक पिक्चर हिट हो जाने के बाद हज़ार उसी तरीके से पिक्चर की एक लगान हिट हो, हो जाने के बाद पचास लगान बनाने की कोशिश करते हैं एक गदर हिट हो जाने के बाद पचास गदर बनाने की कोशिश करते हैं एक दिल चाहता कर... हिट हो जाने के बाद पचास दिल चाहता बनाने की कोशिश करते हैं एक मिर्ज़ापुर हिट हो जाने के बाद हर कोई बोलता है कि यार हम मिर्ज़ापुर जैसे एक सीरीज़ बनाएंगे तो ये तो हमारी प्रॉब्लम है हम तो हम तो नया सोच ही नहीं सकते कि किसी ने कुछ बना दिया उसको पकड़ लो सो इस तरीके से अब मतलब अब क्या करें अभी तो ऑडियंस ऑडियंस को अच्छा कॉन्टेंट देखने की आदत पड़ गई ऑडियंस ब्रूटल हो चुका है ऑडियंस ऑडियंस सीधा मना कर देता है कि मेरे को ये देखना ही नहीं है ये बकवास नहीं देखना मेरे को अच्छी चीज़ देखनी है तो इसीलिए लो ऑडियंस आजकल आप सी, सीरीज़ में भी आपको पता चलता है कि अगर कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रहा है तो ऑडियंस सीधा एक एपिसोड देख के बंद कर देती है दूसरे में चली जाती है तो so, सर आपके इतने लंबे करियर में क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा वो आ, टाइम आया कि आपको लगा मतलब डाउनफॉल वाला जो पीरियड होता है हर एक इंसान की लाइफ में आता है चाहे वो एक्टर हो टीचर हो हर एक किसी के लाइफ में आता है क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई डाउनफॉल आया था जबकि आपने बोला कि हाँ अब मैं बस करता हूँ नहीं अब आगे नहीं मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कभी ऐसा नहीं, कोई डाउनफॉल आया डाउनफॉल 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 कुछ नहीं होता है डाउनफॉल नहीं होता है और अब भी कुछ नहीं होता है आदमी को सम पे रहना चाहिए तटस्थ रहना चाहिए न्यूट्रल रहना चाहिए ऑल द टाइम कितना भी कुछ बिकॉज लाइफ में डाउनफॉल होता है लाइफ में आप आता है जाता है लाइफ में ड्राई सिचुएशन होता है लाइफ में जंगल आता है नदी आते हैं सब कुछ आता है तो आपको क्रॉस करना होता है बिकॉज एंड ऑफ द डिज जर्नी जी सो सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को एंड आपकी जो अपकमिंग सीरीज़ है मूवीज़ है और अभी आपने एक भी कहा नसरुद्दीन सर के साथ आपकी मूवी आ रही क्या कहना चाहेंगे आप आपके फैंस के लिए मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी मूवीज़ है जिस तरीके से आप देखते उसी तरीके से आप देखते रहे उसी तरीके से सराहते रहे और सबको दिखाइए बताइए लोगों को अच्छा अच्छा काम हम करते हैं अच्छा काम आप देखेंगे तभी वो अच्छा और भी अच्छा काम हो पाएगा और अच्छे कंटेंट देखिए बिकॉज कंटेंट ड्रविन इंडस्ट्री है स्टार ड्रिविन इंडस्ट्री तो अभी है नहीं सो कंटेंट देखिए कंटेंट देखिए अच्छे किरदार को देखिए अच्छे कलाकार को देखिए अच्छे ऑनसम्बल कास्ट देखिए सो ये सब देखिए और अभी जो पोचर है सबसे बड़ी बात है अभी पोचर देखिए पोचर एक पोचर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है बहुत ही बहुत ही उमदा काम किया है सब ने और एक बहुत ही मेहनत से बनाई हुई एक कट थ्रोट क्राइम थ्रिलर है और जो कि आपको एक मैसेज भी देता है कि इलीगल पोचिंग एंड आइवरी स्मगलिंग के बारे में जो कि बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ये एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं हम एनिमल एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं जैसे कि धीरे 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 हमारे पूरे अर्थ से एक दिन हाथी गायब हो जाएंगे तो आप दिन आप हम हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कहाँ दिखाएंगे बोलेंगे फोटो दिखाएंगे ऐसे हाथी होते थे सो ह्यूमन ग्रीड और हमारी जो स्वार्थी नेचर है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और और ऐसी ऐसे सब्जेक्ट पे हम बना रहे सीरीज़ सिर्फ आपके लिए दिखा आप, आपको देखने के लिए ताकि आपके अंदर भी ये कॉन्शेंस पैदा हो कि नहीं इनफ इनफ ऑफ इट क्योंकि हम ये पूरे प्लेनेट में सिर्फ इंसान ही नहीं बसते हम बहुत सारे और भी सारे स्पीशीज़ के साथ ये प्लेनेट शेयर करते सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट So please, please, please do watch poacher and let people know about it. Thank you so much, sir, for giving your precious time and all the very best Your of projects as in the Thank you so much. Thank you so much. <laughs> you. Hi, my name is Dibindu Bhattacharya. and uh, you are watching right now Bollywood Now and uh, please subscribe it and share it.